तो स्वागत है। और इस वीडियो में मैं कहीं भी एक दो प्रश्न पूछूंगा, उनका आपको जवाब देना है, तो देखते रहिए। नमस्कार फ्रेंड्स, तो स्वागत है एक और ब्लॉग वीडियो में। और इसमें मैं बता रहा हूँ कि हमें टेंशन ग्रस्त या अवसाद ग्रस्त कभी नहीं होना। अभी विश्व कप खत्म हुआ है कुछ दिन पहले, और लोग पहले तो क्या है, टीवी से चिपके रहते थे। टीवी होती तो मैच देख लेते थे, अगर टीवी होती नहीं थी तो ज़्यादा समस्या नहीं थी। अब तो हर हाथ मोबाइल है और बस लगे रहते हैं। जब देखो आज मैच है, आज क्वार्टर फाइनल है, आज सेमीफाइनल है, फिर फाइनल है, बस लगे रहते हैं। काम धंधे से कोई मतलब होता नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि कभी भी किसी भी, चाहे कोई खेल हो या चाहे कोई दूसरा, उससे इतना गहरे में न जाएं। आप जिस भी विषय में जितना गहरा जाएंगे उतना ही ज़्यादा तनाव होगा। फिर क्या हुआ, अपन को कुछ नहीं मिला। विश्व कप 1900 कब से, शायद 73 से होते आए हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो ये तो नॉर्मल खेल है, कोई भी है, नॉर्मल चीज़ है, चलने वाली है। इसको ज़्यादा गहरे में नहीं जाना चाहिए, कोई भी हो। आजकल चुनाव चल रहे हैं, चुनाव पहले भी होते आए हैं, 1952 से शुरू हुए हैं हमारे देश में, ठीक है। तो में गहरे में नहीं जाना चाहिए, नॉर्मल वे में रहें और अपना काम करते रहें। मैं भी पहले मतलब इन खेल है, क्रिकेट है या राजनीति है, इनके पचड़े में पड़ता था ज़्यादा, लेकिन अब छोड़ दिया। अब क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, क्या हुआ है, वो उस दिन ही देख लेते हैं जिस दिन परिणाम आता है। तो परिणाम से पहले आप ना तो ज़्यादा उनके गहरे में जाएं और ना ज़्यादा उनको लेकर टेंशन लें, और जब परिणाम आ जाए तो भी मन से स्वीकार कर लें, क्योंकि जैसा होता है वैसा हमारे कहने या मन के मुताबिक कभी नहीं हो सकता। क्रिकेट जेंटलमैन लोगों का खेल है और ये ठंडे प्रदेशों देशों में शुरू हुआ था, तो उनके यहाँ तो घर में भी ठंड और बाहर भी सर्दी ठंड, तो इस दृष्टि से उन्होंने ये इजाद कर लिया। तो दौड़ते रहते हैं तो क्या है, वो शरीर में गर्माहट बनी रहती है। और इस धीरे धीरे ये खेल है ब्रिटेन से शुरू होके वहीं खेला जाता था। जब से ब्रिटेन ने दूसरे देशों पर कब्जा किया तो वहाँ पर ये खेल ले गए, वहाँ भी ये खेल शुरू हो गए। मतलब खेल क्रिकेट का राजनीति से भी संबंध है। देश इंग्लैंड ने भारत पर कब्जा किया, ऑस्ट्रेलिया पे किया, अफ्रीका, और भारत से जो अलग देश हुए जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, तो वो अलग और बन गए। तो एक तरह से जेंटलमैन गेम था और फिर आगे बढ़ गया। इसी तरह जो राजनीति है ये भी जेंटलमैन लोगों की है। इसमें बच्चे लोग हैं, उनकी समझ की बात नहीं है, उनको इतने गहराई में नहीं जाना चाहिए। जो जितनी चिंता, जैसे कि क्रिकेट में जितनी चिंता खिलाड़ियों को नहीं होती हार जीत से, उतनी उनके समर्थकों को हो जाती। ऐसे ही राजनीति में जितनी चिंता हार जीत की कैंडिडेट्स उम्मीदवारों को नहीं होती है, उतनी चिंता उनके समर्थकों को हो जाती है, क्योंकि वो तो उनका पैसा है। क्रिकेट उनका पैसा वैसा ही है, राजनीति उनका पैसा वैसा ही है, एक तरह से समझो आजकल। तो उनको कुछ चिंता नहीं रहती, ये नहीं तो आगे और हो जाएगा, जीत हो जाएगी, आगे और लड़ लेंगे, आगे और मैच हो जाएगा। लेकिन समर्थक 15 दिन के लिए उनके साथ रहते हैं, और जब परिणाम उनके विपरीत होता है तो
फिर टेंशन ले लेते हैं, तनाव ले लेते हैं, तो ऐसा तनाव हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं रहता है। और ऐसा तनाव हम हर रोज़ नए नए काम के लिए लेते रहेंगे तो सही नहीं है। तो तनाव ना लें। और लास्ट में ये बता दें कि क्रिकेट को क्या कहते हैं, किन लोगों का खेल कहते हैं। और राजनीति भी ऐसे ही है, जेंटलमैन लोगों के लिए, भद्र पुरुषों के लिए। जेंटलमैन का अर्थ है भद्र पुरुष। ठीक है, आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो ये कह दे बता दें कि क्रिकेट को क्या कहते हैं और जेंटलमैन का क्या अर्थ होता है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो में पहली बार आए हैं, नए हैं, तो बेल बटन ऑन कर ज्वाइन कर लें ताकि आने वाली वीडियो